दिल्ली की शराब नीति में हुए घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने शुक्रवार को देश के 6 राज्यों में एक साथ छापेमारी की है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने चेन्नई और मुंबई समेत कुल 40 जगह एक साथ रेड की है। वहीं दिल्ली में इसी साल एक्साइज घोटाला भी सामने आया था, जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। इस मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर भी छापेमारी हो चुकी है। उनसे सीबीआई के कई दौर में भी पूछताछ की जा चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।